जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। हे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो? इतनी महंगी चीज देखो रमा, मैं तुम्हें पहले दिन ही ये बता रही हूं, इस छोटे वाले को जरा कंट्रोल में रखना। ये मेरा इतना महंगा वाज है, मैंने 1,000 यूरो का लिया था पेरिस से, अगर ये टूट जाता तो किसका नुकसान होना था, मेरा? इसका तो कुछ नहीं जाता ना। फिर से बता रही हूं, याद रखना, इसको कंट्रोल करके रखो तुम। ऊपर चली जाओ, तुम लोगों का कमरा ऊपर है, तैयार है, जाओ। हम तीनों यहाँ कैसे सोएंगे? मैं भी यही हैरान हूँ, कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। रमा, वो मुझे जरा एक डिनर पे जाना है, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि ये छोटू जो है तुम्हारा, इसको जरा कंट्रोल में रखना। जगह जगह मेरे घर में बहुत महंगी बहुत खूबसूरत चीजें हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई चीज टूट जाए। जी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड रमा। जी बिल्कुल, इट्स ओके। भाभी, मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल जब मैं आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था, इनफैक्ट हम तीनों इस पे पूरे नहीं आ सकते। हाँ, वो दरअसल अदनान के कमरे में मैंने भेज दिया, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो उसका बेड बहुत छोटा था, उसे ज़रा बड़ा बेड चाहिए था। तुम ऐसा करना कि मैट्रेसेस पड़ी हैं बाहर, मैट्रेस डाल लेना ज़मीन पे, और अगर चाहो तो बच्चे सोफे पे भी सो सकते हैं। हाँ, आई एम गेटिंग लेट, तो फिर मैं जा रही हूँ, ज़रा ध्यान रखना। मम्मा, सोफे पे कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, बस दुआ करो अल्लाह हमारी मुसीबत के दिन जल्दी काट दे।
सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो सुल्ताना जी? मैं ठीक हूँ। बाजी किधर है? वो जी अपने कमरे में टीवी देख रही है। अच्छा अच्छा, आओ बेटा आओ आओ, शाबाश, आ जाओ। आ गए तुम? बैठ जाओ बैठ जाओ, इतना मजा आ रहा है, इतने मजे की किस्त है ना, मैं क्या बताऊं। आज तो जो पूजा के साथ करण ने किया है वो देखने वाला है, और विशाल तो इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं। आज राबिया वो है, क्या है बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। राबिया वो देखो नेहा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राबिया वो मैं क्या है, अब बोलो, के छाले पड़ गए मुंह में, बात करो। मैं ये बताना चाह रहा था कि वो मालिक मकान ने ना रमा भाभी का मकान खाली करा लिया है। तो ये कौन सी बड़ी खबर है, ये तो होना ही था भाई, किराए का घर था, आखिर मालिक मकान को किराया ना मिले तो खाली तो कराएगा ही, और किराया देने वाला तो बेचारा जमीन के नीचे चला गया, तो ये तो होना ही था। आप रमा और बच्चे बड़ी मुश्किल में है। अरे तो मुश्किल में तो होना ही था भाई, और वैसे इस सारी मुश्किल की जिम्मेदार रमा खुद है। हजार बार समझाया कि दिखावा ठीक नहीं है, पर दिखावे के शौक ने इसको तो पागल कर दिया। बुरा ना मानना बेटी, तुम भी कहोगी कि मेरी माँ की पीठ पीछे बुराई कर रही है, मेरी आदत नहीं है पीठ पीछे बात करने की। खैर से तुम्हारे अब्बा जब जिंदा थे तब भी कहा था उनसे कि भाई जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, पर कहाँ, तुम्हारी माँ कहाँ सुनती। ये किराए के घर, किस्तों की गाड़ियाँ, किस्तों के फर्नीचर, इनमें जिंदगी नहीं गुजरती, मगर कहाँ सुनने वाली। अब हमें देख लो, हमारा घर चाहे छोटा है पर है तो अपना, कोई निकाल नहीं सकता यहाँ से। किराए के घरों का यही हाल होना था तो हो गया। और नादिया, उसकी रिस्क करने की जरूरत क्या थी भाई, वो ठहरी बिजनेसमैन की बीवी, और मुइन किसी की नौकरी करने वाले, ये हाल तो होना ही था। राबिया राबिया तुम कैसी बातें कर रही हो, बच्ची है ये, क्यों इससे ऐसी बातें कर रही हो? अरे पता है मुझे बच्ची है, बच्ची है तो क्या हुआ, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो कर नहीं रही, और वैसे भी इसलिए बता रही हूँ कि कल को ये वो हरकतें ना करे जो उसकी अम्मा ने की हैं, समझ ले जरा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम कोई गलत बात कर रही हो, मैं तो ये कह रहा था कि बच्ची आई है, बहुत परेशान है इस वक्त। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको परेशान कर रही हूँ, मेरा कसूर है? अकल की बात ही कर रही हूँ ना, कोई गलत बात तो बता नहीं रही मैं। वो तो ठीक है राबिया, वो बस वो जरा मेरी एक बात सुन लेना। क्या है, यही बोल दो ना, अब क्या करूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो जरा बाहर आकर अकेले में सुन लेना। पता नहीं तुम्हें ये सस्पेंस फैलाने की क्यों आदत है, यही बता दो। चलो क्या कहना है। उस दिन जो भी कुछ हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें देख के, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए अपने घर में? नहीं, मैं नहीं उठा कर लाया हूँ। अच्छा, तो वो खुद चल कर आ गई है कि मुझे रख लो अपने घर में? वो रमा भाभी साथ लेकर आई है।
अरे तो वहाँ क्यों नहीं रखती रमा, अपने साथ अपने भाई के घर में, जहाँ खुद रह रही है बच्चों के साथ। वो देखो, वो रमा भाभी कह रही थी कि वहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है, रखा नहीं नादिया ने। नादिया ने साफ साफ इनकार कर दिया होगा, अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैं। इतने बड़े जहाज जैसे घर में जगह नहीं, तो यहाँ मेरे दो कमरे के दड़बे में जगह होगी? आई बड़ी, ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रख सकती। मैं कह रही हूँ पहुँचाओ इसे इसी वक्त रमा के भाई के घर में। बड़े आए दर्दमंद दिल रखने वाले, अपने रहने को जगह नहीं और महारानी को ले आए। अरे मैं पूछती हूँ, रमा ने हमारे साथ कौन सी अच्छी की है जो हम उसका बोझ अपने सर पे रखे? राधे प्लीज आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए कहीं वो सुन ना ले। ये डर डर की आदत है तुम्हारे रहने की। मैं नहीं डरती किसी से, ना किसी का दिया खाती हूँ और ना किसी के कहने से आवाज धीमी करती हूँ। और वैसे भी मान लिया कि हमारा घर छोटा है, एहसान और मुइन जैसा नहीं, लेकिन अपना तो है ना। और ये तो बताओ जरा मुझे कि तुम्हारे भाई मुइन ने अपनी बीवी के दिखावे और ऐयाशियों पे हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च किया, कभी ख्याल आया कि भाभी के लिए एक लॉन का सूट ही ले जाऊं? देखो देखो राबिया प्लीज ऐसा मत कहो, मुइन हम सबसे बहुत मोहब्बत करता था। देखो दो तीन दफा तो मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए उससे कर्ज भी लिया, उसने कभी वापसी का तकाजा नहीं किया। और तुम्हें याद है जब वो लंदन गया था तो तुम्हारे और वहाब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था। भाई कौन करता है ये सब कुछ ऐसे? देखो सच्ची बात तो ये है कि मुइन हम सब के लिए जितना कुछ करता था ना, ऐसा कोई नहीं करता। अरे रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, जानती हूँ जो लंदन से चीजें लाए थे, बस चुप ही रहो। मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब्बा अम्मा जिंदा थे, तुमने कहा कि अम्मा हमारे साथ नहीं रहेगी, मैंने उसे मुइन के साथ कर दिया। और अब्बा के साथ भी वही हुआ, और फिर अब्बा भी नहीं रहे। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है राबिया। बोलो बोलो, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? अच्छा अच्छा आगे बात करो। देखो राबिया, मैंने जिंदगी में कभी तुमसे जिद नहीं की। इस घर में हमेशा वही हुआ जो तुमने चाहा। आज भी मैं तुम्हारे साथ जिद नहीं कर रहा, बस एक गुजारिश है। वो मेरा खून है राबिया, मेरे मरहूम भाई की बेटी है वो, रह लेने दो से। और फिर एक महीने की तो बात है, रमा भाभी अपना घर ले लेगी, फिर वो चली जाएगी यहाँ से। कहाँ से हो जाएगा अपना घर इतनी जल्दी? देखो उन्हें जल्द ही नौकरी मिलने वाली है, फिर वो कुछ छोटा सा अपना किराए का घर ले लेंगी। और अगर नौकरी ना मिली और ना मिला अपना घर तो? हो जाएगा राबिया, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ तो ये महारानी यहीं बैठी रहेगी हमारे सर पे? बोलो जवाब दो। अच्छा देखो देखो देखो, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो एक महीने के बाद मैं इसे वापस भिजवा दूंगा, जहां भी रहे, लेकिन यहां नहीं रहेगी। जर्द पत्ते सा ये दिल। जर्द पत्ते सा ये